नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे HDFC लाइफ के बैकग्राउंड, परफॉर्मेंस और क्लेम सेटलमेंट रेशियो को। अगर आपने ऑलरेडी HDFC लाइफ से कभी पॉलिसी ले रखी हो या फिर आगे जाके लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला है HDFC लाइफ के बारे में, ताकि आपका ये जो डिसीजन है ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं, ये आप जान सकें। HDFC लाइफ भारत की एक लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि कई तरह के इंश्योरेंस सॉल्यूशंस निकालती है अपने कस्टमर्स के लिए, जैसे कि प्रोटेक्शन, पेंशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट इत्यादि। HDFC लाइफ के कुल 390 ब्रांचेस हैं पूरे भारत में, और इन्होंने लगभग 4 करोड़ लोगों को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची हुई हैं, और इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट आज की डेट में 1.73 लाख करोड़ रुपीज़ है। किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को जज करने का एक बहुत ही अच्छा नंबर होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये हमें जानने में मदद करता है कि कल अगर हमारी मृत्यु होती है तो क्या हमें अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी या नहीं। HDFC लाइफ की अगर आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखें तो इस साल 98% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहा है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब 100 लोगों में से 98 लोगों को इन्होंने क्लेम टाइम पे दिया है, और 2% लोगों को इन्होंने क्लेम किसी न किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया है। कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जहाँ पे क्लेम तो मिलता है बट बहुत टाइम लग जाता है, और इसीलिए क्लेम सेटलमेंट टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है कि ये जो क्लेम का अमाउंट फैमिली को मिलने में कितना टाइम लगा। आप यहाँ पे इस टेबल में क्लेम सेटलमेंट रेशियो और क्लेम सेटलमेंट टाइम दोनों ही देख सकते हैं। जैसे कि 2020-2021 में 98.01% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहा है, और एवरेज क्लेम सेटलमेंट टाइम 5 डेज़ का रहा है। और इसी तरह से इनके जो क्लेम सेटलमेंट के जो नंबर्स हैं 97 से लेकर 99 के बीच में रहे हैं, और लगभग 4 से 5 दिन के अंदर अंदर क्लेम सेटलमेंट इन्होंने दिया है। आइए दोस्तों, अब हम HDFC लाइफ के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। HDFC लाइफ भारत की पहली प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसकी शुरुआत साल 2000 में हुई। ये एक जॉइंट वेंचर है HDFC लिमिटेड और स्टैंडर्ड लाइफ लिमिटेड के बीच। HDFC लिमिटेड तो आप सभी जानते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिनका HDFC बैंक भी है। बट जो स्टैंडर्ड लाइफ है, ये एक मॉरिशियस बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इनके पास 34% का स्टेक है, और HDFC के पास 51.69% का स्टेक है। बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने इनके शेयर्स में इन्वेस्ट करा है NSE और BSE के थ्रू। HDFC अपने प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी चैनल नेटवर्क के थ्रू करता है, जिसमें कई सारे बैंक्स भी मौजूद हैं, जैसे कि HDFC बैंक, सरस्वत बैंक, RBL बैंक। इसके अलावा इनके कई सारे एजेंट्स और ब्रोकर्स भी मार्केट में मौजूद हैं, जिनके थ्रू आप इनकी पॉलिसी को खरीद सकते हैं। HDFC लाइफ ने अपना पहला TV एडवर्टाइजमेंट साल 2005 में लॉन्च किया था, और वहीं से आया टैगलाइन HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। HDFC ने अपने होम ब्रांड HDFC एर्गो को और एक्सपैंड करने के लिए साल 2020 में अपोलो हेल्थ इंश्योरेंस को पूरी तरह से एक्वायर किया, और साल 2021-22 में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को वो 100% एक्वायर कर चुकी है। HDFC लाइफ भी HDFC बैंक की तरह ही काफ़ी बड़ी एंटिटी है, जिस पर कई सारे लोगों का भरोसा जमा हुआ है, और यही कारण है कि आने वाले कई सालों तक ये जो ब्रांड है आपको टॉप में ही नज़र आएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल पाया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो पे लाइक, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।